नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं टेक्नो टेक क्राफ्ट। तो यार आज की वीडियो में मैंने बनाया है काफी शानदार एक छोटा सा कॉम्पैक्ट गैजेट दिवाली के लिए। तो यार आपने देखा ही होगा दिवाली पर क्या होता है कि लोग अपने घर के बाहर लाइट्स लगाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बंद कर देते हैं सुबह को, बट कुछ होते हैं कि जो लेट से उठते हैं या फिर उनको बंद करना याद नहीं जाता या फिर वो लेट बंद करते हैं। तो इससे क्या होता है यार, एक तो इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज होती है, एक तो दिवाली के टाइम पे वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, ऊपर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करेंगे तो यार क्या फायदा मतलब उस चीज का। तो इसको देखते हुए मैंने एक गैजेट बनाया, तो मैं आपको दिखाया था क्या है वो। तो ये दोस्तों हमारा एक छोटा सा गैजेट, इसमें जैसे क्या देख सकते हैं, इसमें एक आउटपुट है और इसके साथ एक मेन कोड लगी हुई है ये वाली। इसको आप अपने सॉकेट में लगाएं और जो भी आपकी दिवाली की लाइटिंग है वो आप जो आउटडोर वाली लाइटिंग्स है, इस बात का ध्यान दें ये गैजेट सिर्फ आउटडोर लाइटिंग्स के लिए, इंडोर के लिए नहीं है। जो लाइट्स हम अपने जो टेरेस वगैरह पे लगाते हैं हम, ठीक है, उनके लिए है। तो इसमें आप उसको उनकी जो सप्लाई है वो आप इससे दे सकते हैं, मतलब उन लाइट की सप्लाई आप इससे दीजिए। जैसे ही आपका रात होगी तो आपको ऑन करने की टेंशन नहीं होगा, इसको एक बार ऑन लगाया, ऑन कर दिया, उसके बाद भूल जाओ, उसके बाद खुद ब खुद लाइट्स ऑफ हो जाएंगी जब जैसे ही सुबह होगी, और खुद ब खुद ऑन हो जाएंगी जैसे ही रात होगी। तो ये काफी अच्छी चीज है, मतलब तो छोटा सा ये सर्किट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हो लोग। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, क्या दिक्कत जा रही है। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यार बड़े हरामी हो बेटा। तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं, और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले चाहिए आपको यहाँ पे एलईडी ड्राइवर 12 वोल्ट वाला, और चाहिए आपको एक दोस्तों एक वाला सर्किट। इस सर्किट का सर्किट डायग्राम और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। और हमें चाहिए कि 12 वोल्ट का रिले, वैसे ही रिले हमारे सर्किट में इंक्लूड है बट मैंने इसको अलग से रखा हुआ है। और आपको चाहिए एक ये फीमेल सॉकेट, आपको इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर मिल जाएगा काफी आसानी से, और कुछ MDF बोर्ड के टुकड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट निकाल लेते हैं अंदर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सर्किट में दो वायर लगे हुए हैं, ब्लैक और रेड, ये हमारे आउटपुट के वायर हैं। 12 वोल्ट DC आउटपुट निकलता है दोस्तों इनसे। और दोस्तों इसके जो सर्किट डायग्राम है आपको मैं वीडियो में दे दूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर्किट डायग्राम की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों कनेक्शन जो है ये दोनों रिले पर होने हैं, ये रिले के वायर मैंने अलग से निकाले हुए थे, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये हमारे सर्किट में लगेंगे। इसको मैं लगा देता हूँ अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे सर्किट डायग्राम यहाँ पर कर दिए हैं, और मैंने हमारा आउटपुट वो सॉकेट भी इससे कनेक्ट कर दिया है। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो अभी आप देख लीजिए इसके जो आउटपुट वायर है दोस्तों, आप ध्यान रखना थोड़े से हैवी वायर यूज़ करिएगा आप, ताकि वो अच्छा एम्पियर झेल सकें। हमारी जो MDF बोर्ड की बॉडी है इसकी, उसमें इसको लगा देते हैं। इन सब को लगाने के लिए मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से लग चुके हैं। और हमारा जो DC सॉकेट है इसको मैं लगाऊंगा इस वॉल पर, मैंने यहाँ पर एक होल कर लिया था पहले ही। इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू मतलब हमारी जो फेविक्विक आती है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हमारा लग चुका है, और अभी हम इसको भी यहाँ पर चिपका देंगे। MDF बोर्ड में हमारी इंस्टेंट ग्लू काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है दोस्तों, यकीन मानिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बाकी के 4 पीस भी हम इसके यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ऊपर का जो इसका पीस लगेगा दोस्तों, वहाँ पर ये हमारा LDR है, इसके लिए हमें एक होल करना पड़ेगा ताकि ये बाहर रह सके, क्योंकि लाइट इसी के ऊपर पड़नी है और यही डिसाइड करेगा कि दिन हो रही है या रात। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक होल कर दिया है और हमारा LDR निकल चुका है इससे बाहर। अभी हम इसको भी यहाँ पर फिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों अभी हो चुका है पूरा तैयार, चलिए मैं इसको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ इसकी। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हमारा सप्लाई ले लिया, इसको हम लगा देंगे हमारे वही जो हमारे घरों में बिजली आती है उससे। और हमने यहाँ पर एक होल्डर और सॉकेट ले लिया है, तो आप इससे आप अपनी झालर चला सकते हैं, आपकी जो लगती है वो सब चलता है इससे। मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखा रहा हूँ हमारी जो 9 वाट की LED आती है। तो जैसे ही यहाँ पर अंधेरा हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही स्मार्ट सेंसर के ऊपर अंधेरा आया, तो वैसे ही हमारी लाइट ऑन हो गई। तो आप जैसे कि समझ चुके होंगे, तो जैसे ही यहाँ पर रात होगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी हमारी झालर, और जैसे ही दिन होगा ये खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।